हाँ जी स्टूडेंट, स्वागत है थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल दे विच। आज आपां इस वीडियो विच जमात नौवीं वाले दा जिहड़ा कि इंग्लिश विषय का पेपर है, तुहानू पता है कि थोड़े सितंबर टर्म एग्जाम चल रहे ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हैगा। तुसीं देखिया होगा पिछले सालों के पेपर ही पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही थोड़े पेपर पै रहे हैं, पर ये वाला पेपर जिहड़ा कि हैगा बिल्कुल न्यू पैटर्न 2000 जिहड़ा कि थोड़ा चल रहा हैगा उसके अकॉर्डिंग पेपर हैगा ये, तो यही पेपर थानू देखने मिल सकता है क्योंकि मैं बहुत सारे 9th क्लास के पेपर पाए ने जिहड़े कि रिपीट होए ने। तो बच्चों इनू तुसी लाइक करके रख लो तो सेव करके रख लो, ये वीडियो जिन्ना ही मिनट लई तुसी देखोगे तो तुहानू ये कलू पेपर से देखने जरूर मिलेगा। वीडियो नू स्टार्ट करन तो पहले ये रिक्वेस्ट हैगी है कि इन फ्यूचर अगर तुहानू जरूरत पैंदी आ तो तुसी चैनल नू सबसक्राइब करके रख लो ता जो तुहानू आने वाले फ्यूचर दे विच भी जेकर कोई भी पेपर चाहिए होवे तो तुहाडे कोल ये चैनल सेव होवे। तो आपां स्टार्ट करते हैं, यही पैटर्न फॉलो करना है इंग्लिश दे पेपर दे लई। सारी ग्रामर सारे क्वेश्चन आंसर इस वीडियो विच सॉल्व किए जाएंगे, तुसी स्किप नहीं करनी हैगी, एंड तक देखना है जो ता जो तुसी 10 मिनट दे विच ही अपनी जिहड़ी कि इंग्लिश पेपर की तैयारी वह कर सको। चलो आपां वीडियो नू स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले रीडिंग पार्ट आता है सैक्शन ए, ठीक है। 80 मार्क्स का थोड़ा टोटल नंबर है, 80 विचों 80 लेने ने तो वीडियो नू एंड तक देखना है, ठीक है। तो फिर उस तो बाद रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर करने ने क्वेश्चन दे। मैटल डैक्टर मेक मैगनैटिक वेव, दिज वेवस गो थ्रू द ग्राउंड एंड वेवस चेंज वैन दे हिंट मैटल। चलो आप देखते हैं हूँ ये क्वेश्चन। जब भी बच्चों पैरा पढ़ना स्टार्ट करना है तो हमेशा पहला क्वेश्चन पढ़ने ने ते फिर पैराग्राफ पढ़ना है। तो हैगा वाई वर मेटल डैक्टर्स फर्स्ट यूज, तो का तो फर्स्ट यूज किए थे, तो इतने देख सकते हो वैन दे हिज मेटल एंड डिवाइस लैट द परसन डिवाइस नॉन मेटल इज क्लोज द फर्स्ट मेटल डैक्टर वेंट हैल्प माइनस, तो हैल्प माइनस, तो इसका आंसर की आएगा बच्चों, थोड़े को फर्स्ट ऑप्शन ही होएगी इसका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा कि हैगा थोड़ा वो हैगा हाउ डू मैटल डैक्टर हैल्प द सोल्जर। तो हुण सोल्जर वर्ड लभना है, आपां पैरे नूं पढ़ते जाना, तो जो सोल्जर आ गया आपां रुक जाना। दे यूज लॉट ऑफ पावर अराउंड द पीपल कैप्ट मेक बैटर मैटल डिटैक्टर समोलर नाउ दे एंड, फिर देखो वाई पीपल ब्रिंग द पीच एंड दे और रिंग्स द वॉटर एंड मैटल्स डैक्टर हैल्प द फाइंड द थिंग्स एंड यूजली मैटल डैक्टर प्रोटेक्ट पीपल दे हैल्प टू कीप गन्स आउट सम प्लेस। तो कीप गन्स, तो इतने देखो हूँ क्या आया इतने की कहते का यूज किया जाता है। एक मिनट अगे एक होर लाइन पढ़नी पेगी सानू, दे आर एट एयरपोर्ट्स काउंटर एंड सम स्कूल्स एंड हैल्प द गार्ड वैपन्स गार्ड्स यूज ग्राउंड। जो तुम इस लाइन पर नज़र मारते हो तो सोल्जर यूज मैटल डैक्टर टू फाइंड बॉम्बस, तो इसका आंसर की आएगा बच्चों डिटेक्ट बॉम्बस। तो आप इस पर की लगावेंगे टिक लगाएं, बी ऑप्शन इज द राइट। हाउ डू मैटल डैक्टर मेक क्लोथिंग सेफर टू मेक श्योर फैक्ट्री मशीन आर वर्किंग राइट। चलो आप इसका आंसर देखते हैं, इसकी जी कि थर्ड ऑप्शन हैगी बच्चे वो हैगी राइट आंसर। तो तुम वीडियो पोज करके पैराग्राफ पढ़ना है, ठीक है। नैक्सट हैगा अकॉर्डिंग टू द टैक्सट मैटल डिटैक्टर हैव बीन यूज इन ऑल द फॉलोइंग एक्सैप्ट, कहते सारे पास यूज़ किया जाता सिर्फ उन्होंने छड़ के, तो किनू छड़ के, तो आप फर्स्ट ऑप्शन भी पढ़ी सैकेंड भी पढ़ी पर आप चर्चिज नहीं पढ़िया, तो इतने आएगा इसका आंसर। नैक्सट क्वेश्चन हैगा फाइंड द वर्ड ऑफ द पैसेज विच मीनस एज सेम एज टू लुक केयरफुली इन ऑर्डर टू डिटैक्ट। तो हूँ यदा मतलब किड़ा होगा टू लुक केयरफुली इन ऑर्डर टू डिटैक्ट इगनोर स्कैन, तो आप जो स्कैन करते हैं तो आप देखते हैं ना वो पूरा चंगी तरह स्कैन करते हैं, तो इनू कहेंगे स्कैन। नैक्सट है एनालाइज द फॉलोइंग बारग्राफ एंड आंसर करने फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो तुम देख सकते हो तो बारग्राफ दिखेगा बर्थडे ऑफ स्टूडेंट्स बाय मंथ, बर्थडे दिते गए ने जन्म जी कि उन्होंने डेट्स दिखाई गई ने स्टूडेंट द, तो आप देख सकते जनवरी च किन्ने बच्चे है इधर स्टूडेंट, तो फरवरी च किन्ने, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर बोर्न इन मंथस ऑफ फरवरी एंड सितंबर। तो किन्ने देखो फरवरी दे किन्ने ने 4.5, सितंबर च किन्ने ने 7 और 5 किन्ने हो गए, तो किन्ने हो गए बच्चों इसका टोटल, तो जिहड़ा कि बनता है 12 बनता है, पर इतने हाफ हाफ लिते हुए ने ना, तो फिर शायद इन्हों का आंसर जिहड़ा कि हैगा वह 11 हैगा। नैक्सट इन विच 2 months 32 स्टूडेंट्स आर बोर्न इन टोटल, तो 32 स्टूडेंट्स देखो कितने जिहड़े कि बोर्न होए ने किहड़े मंथ के, इतने हैगा
था उसे तुसी देख सकते हो। नैक्सट हैगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन फर्स्ट और हाफ ऑफ द ईयर, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न इन फर्स्ट हाफ ईयर के किन्ने बच्चे ने बर्थ लिता है, तो जुलाई तक जो कि जून तक होंगे ने तो जून तक तुसी कैलकुलेट। जोड़ा एक हैगा वो दो एक यूनिट से दो स्टूडेंट है, ठीक है, इन्हों का सारे का एक दो दो करके तुसी लेना है। नैक्सट क्वेश्चन हैगा, नैक्सट क्वेश्चन हैगा बच्चे आफ्टर अगस्त इन विच मंथ इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न, तो सब तो अगस्त के बाद कि है तो वह हैगा अक्तूबर के जेडे कि सब तो बद बच्चे ने जन्म लिता है। नैक्सट हैगा इन विच क्वार्टर ऑफ द ईयर इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट बोर्न, तो अगस्त जेडे कि सब तो घट बच्चे का जन्म होया। नैक्सट आ जाता हूँ सैक्शन बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन रोट द लैटर टू किनू लिखा सीगा, हिज सन, हिज डॉटर, हिज सनस टीचर या हिज फ्रेंड, तो इसका आंसर जोड़ा कि है बच्चे इसका आंसर तुम्हें कमेंट करके दसना है। नैक्सट है टाइम इज़ मोर पावरफुल दैन मनी, तो यह आंसर हैगा ट्रू। कहते हाउ ओल्ड वॉज शेर सिंह, तो शेर सिंह किन्ने ईयर ओल्ड सगा, मैं इसका आंसर दस दी हाँ। इसका आंसर बच्चे हैगा 12, तो शेर सिंह किन्ने साल का सगा, 12 साल का। अकॉर्डिंग टू द पोएट नो कंट्रीज़ आर डेवलप्ड बैड फॉरन या डेवलपिंग, तो इसका आंसर हैगा, तो बच्चे इसका आंसर हैगा सी ऑप्शन फॉरन। नैक्सट है हाउ मच डिड द फार्मर पे टू द बॉय एज वेजिस, तो यह थोड़े चैप्टर तुम देख सकते हो, मैजिक विलियन से भी आया हुआ है, नाल दी नाल उन्होंने चैप्टर के नेम भी दसे हुए ने। बच्चे इसका आंसर जोड़ा सगा 3 कोपर कोइन, तो यह दिते सके कोपर कोइन दिते सके। नैक्सट क्वेश्चन बच्चे जोड़ा हैगा वट एक्सक्यूज डिड शुई सुशील मेक फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यह देख लो चैप्टर का नेम लिखा है विशिज कम ट्रू, इसका आंसर जोड़ा कि है हमेशा यही बहाना लाता सगा कि उसका ढिड दुखदा है, तो इतने लिखेगा टमी एक ढिड दर्द का बहाना लाता सगा। वो नैक्सट क्वेश्चन जोड़ा बच्चे हैगा है टमी एक, तो ऑप्शन देख लो इतने लिखा भी हुआ। नैक्सट है ड्यूरिंग द फ्लड द विलेजरस वेंट टू द प्लेस फॉर शैल्टर, तो विलेजर गए थे, तो इसका आंसर हैगा ट्रू, ये इन द फ्लड चैप्टर चो लिया गया है। अगे हैगा क्वेश्चन चेना लिव्ड विद हिज वाइफ एंड डैश चिल्ड्रन, तो वह किन्ने चिल्ड्रन के बच्चों के नाल सी, ये मैं देखना चाहती हूँ कि बच्चा 7th क्वेश्चन का कमेंट करके दस दे, जिन्हें जिन्हें ने इतने तक वीडियो देखी है कमेंट करके दसो। तो सैक्शन सी स्टार्ट करन तो पहले एक रिक्वेस्ट हैगी है बच्चों, जेकर जेडे बच्चे PDF चाहिए वो तो ज्वाइन कर लो टैलीग्राम, तो जेडे बच्चे मैथ की क्लासिस परसनली लेना चाहते हैं ट्यूशन क्लासिस, तो नीचे मैंबरशिप बटन हैगा, मैंबरशिप जाके ज्वाइन कर लो, तो जो थानू कि परसनली कॉल करके तुसी मेरे तो क्लासिस लै सकते हो, चाहे वो जूम पर लगन चाहे उत्ते, तो तुसी मैंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नैक्सट हैगा सैक्शन सी इंग्लिश टैक्सट बुक, तो क्वेश्चन आ जाते हैं वट शुड वन नैवर सैल, तो मैं पहले एक बार क्वेश्चन बोल दिंदी है सारे, ठीक है, फिर आप दो दो करके आंसर देखते हैं। तो देखा वट शुड वन नैवर सैल, तो ग्रूमिंग ऑफ बॉय फर्स्ट चैप्टर के लिए गए, चलो आप इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चे तुम इसका आंसर देखते दी हार्ट एंड सोल शुड वन नैवर सैल, चलो आप नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। तो तुम देख सकते हो इसका आंसर हैगा है वह कितने गए थे, ही स्टडीड फिजिक्स एट कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दैन ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर फ्यूचर स्टडीज़, तो इसका राइट आंसर है। हम आप नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नैक्सट क्वेश्चन जोड़ा हैगा वट हैपन्स टू दोज हू आर लैफ्ट बिहाइंड इन द टाइम, ये देख लियो बजटिंग यूर टाइम चैप्टर चो, मैं ये वाला दस दें हू वॉज शेर सिंह बहादुर, तो एक नैक्सट हैगा है हाउ डिड शेर सिंह कैरी हिज ब्रदर, चलो आप इसका आंसर देखते हैं। राइट आंसर बच्चे हैगा ही वॉज अ फार्मर हंटर, ही लिव्ड इन लाडवानी विलेज, चलो आप नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। हूँ बच्चों इन्होंने तीन क्वेश्चन कहे थे, मैं तिना के आंसर सानू दिखा दिते हैं, बाकी जेडे कि तुसी अपने नोट्स के क्वेश्चन नोट कर लो, तो बाकी तुसी अपने नोट्स के नोट करने ने, ठीक है। अगे नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है आंसर द फॉलोइंग एनी क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट ऑन यूजेस ऑफ क्रेसोग्राफर, तो नैक्सट क्वेश्चन हैगा बच्चों एक्सप्लेन द सरकमस्टांसिस इन विच कुनवर वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल,
ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हैगा बच्चे, मैं एंड दे विच दिखाऊंगी। उस तो पहला अपना पोएट्री पार्ट जिहड़ा कि खत्म कर लैंदे आ। तो इस दे विच आंसर है नी फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग दी स्टैंजा। तो तुसी देख सकते हो हैगा ये कम आउट दे मेडिटेशन एंड लीव्स असाइड दे फ्लावर एंड हार्म इज देयर इन इफ एनी दे क्लोथ्स बिकम टैक्टर्ड एंड स्टेन्ड मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल एंड इन स्वैट बाय वरो। ठीक है, या तो हैगा क्वेश्चन Why does poet say that we should leave chanting, singing and telling of beads? Which center idea भी जड़ा के पूछा गया है। What is the theme center idea of the poem No Man Forens वाला? The theme or center idea of this poem is we human beings must not hate each other. One should live with the feeling love and brotherhood. War is a crime against humanity. All human beings are brother to one another. And all have the same needs. Thus, no man's are strange or foreign. ठीक है, तो यही इसका आंसर थी। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट बच्चे जिहड़ा स्टार्ट हो जाता इंग्लिश लिटरेचर बुक सप्लीमेंटरी रीडर आंसर एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द ईच वर्ड। तो फर्स्ट हैगा हू डिड द बॉय गिव हिज थ्री कॉइन्स एंड वाई। तो बच्चे जिहड़े कि किने कॉइन्स दिते सीगे ते क्यों दिते सीगे मैजिक विलेन च हैगा। चलो फिर इसका आंसर देखते हैं। जिहड़ा उसका आंसर सीगा वू डिड द बॉय गिव हिज थ्री कॉइन्स। द बॉय गेव हिज थ्री कॉइन्स टू एन ओल्ड बैगर एंड द बैगर वॉज स्टारविंग। ही नीडेड फूड टू ईट एंड ही बैग्ड फॉर अ कॉइन और टू एंड द बॉय गेव हिम ऑल द थ्री कॉपर कॉइन्स एंड द बैगर मिसक्लियरसली चेंज इन टू एन एंजल। यानी लड़के ने अपने तिने सिक्के एक बुढ़े भिखारी नू दे दिते। भिखारी भुखिया मर रहा सी, उनू खाण लई खाणा चाहीदा सी। उसने एक या दो सिक्के पीखल विच मंगे ते लड़के ने उसनू तीन तांबे दे सिक्के दिते। भिखारी चमत्कारी रूप नाल एक देवदूत विच बदल गया। हूँ नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा सीगा वो नैक्सट देखते हैं। कुछ बच्चों तीन क्वेश्चन कहे ने, ठीक है, दोनों जिहड़े कि चैप्टर वाले ने एक विशेष कम ट्रू वाले। मैं दोनों चैप्टर के क्वेश्चन दिखा दें, बाकी तुसीं खुद करने ने। फ्लड वाले दोनों फ्लड वाले चो हाँ मैं दिखा। वट हैपन टू शुभल चंद्रा आफ्टर हिज विश ग्रांटड एंड हैगा वॉश शुभल चंद्रा हैप्पी विद द चेंज। चलो आप इसका आंसर देखते हैं। तो तुसी इसका आंसर देख सकते हो शुभल बिकम अ चाइल्ड। ही हैड गोट बैक ऑल हिज टीथ हिज ब्रीड एंड माउथ टैकल्स वर गोन एंड ही नॉट लाइक टू गो स्कूल एंड ही वॉन्टड टू रन अबाउट एंड प्ले। हूँ नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा सीगा उनकी पति पत्नी दे नाल की होया सीगा। तो इसका आंसर जिहड़ा कि हैगा वट हैपन टू हिज वाइफ। तो इसका आंसर हैगा ए When the lady wishes change them again and they imagine they had been dreaming and started behaving in their usual way, Shubal called his son, asked him why he is not learning his grammar and the boy replied that he had lost his book. तो बच्चों एक रिक्वेस्ट हैगी, अगर जेकर पेपर थोड़ा समझ आता मैं थोड़े लिए इन्नी मेहनत करके लेके आती है विद सल्यूशन सारा पेपर, तो प्लीज़ एक थैंक यू जरूर लिखा करो। तो बच्चों तुसी इस तरीके दे नाल मेरी वीडियो शेयर करया करो कि जो सारे बच्चे ले सकन, क्योंकि मैं उन्ना नहीं रिवॉर्ड मिलता है रिवर्ट मिलता थोड़े वालों कि जिन्ना मैं थोड़े लिए करके लैके आती है। ठीक है, 10-15 मिनट की वीडियो के मैं हर एक क्वेश्चन का सल्यूशन लैके आती है। प्लीज़ वध तो वध शेयर ते लाइक जरूर करया करो। थैंक यू कमेंट अगर चंगी लगी तां भी, अगर नहीं लगी तां भी दस्या करो। अगे सैक्शन डी वोकैबलरी आ जाती है फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड लगाना है। शी गेव डैश टू मेल बर्थ या बर्थ द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर है गया। यूज़ द राउंड वर्ड इन द फॉर्म ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव मेक सेंटेंस इन योर वर्ल्ड। द अर्थ इन द शेप ऑफ राउंड एंड द सन राउंड्स राउंड आ वन सर्कल ऑफ टू द अर्थ। ठीक है, एक चक्कर लगाता है। ठीक है, एक राउंड है लिख दो। गिव एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड ह्यूज या डीप। एंटोनियम उल्टा दसना है, ह्यूज मतलब लीस्ट, डीप मतलब हाई। नैक्सट हैगा हाइट। अगे हैगा सैक्शन ई ग्रामर एंड कंपोजिशन आ जाती है। ट्रांसलेट फॉलोइंग सेंटेंस इंग्लिश टू पंजाबी करने हैं। स्टीर हिम अवे फ्रॉम एनवी, स्टीर हिम अवे मतलब एनवी तो दूर सी। इट वॉज एन ईवेंट दैट सरप्राइज्ड द साइंटिफिक वर्ड। एक अजिहा एक जिहड़ा कि ईवेंट होया जिन्हें सरप्राइज किया साइंटिफिक वर्ड नू। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ना ही टाइम तो लहर किसी भी वे नहीं कर दी है।
इंतजार नहीं करदियां इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क एंड द स्काई ब्लास्ट विद स्टार। अगे हैगा ट्रांसलेट फॉलोइंग करने फ्रॉम पंजाबी टू इंग्लिश। मैं पंजाबी बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक पंजाबी। सूरज पूरब विच निकलते, सनराइज फ्रॉम द ईस्ट। की माली सवेर सैर तो ये पता नहीं बच्चों क्या लिखा हुआ। अध्यापक पाठ ही पढ़ा बच्चे, मैं पता नहीं लग रहा है कि लिखा हुआ है, गलत टाइपिंग हुई हुई है ये पेपर दे विच। सही आएगी पर इसनों नोट कर लो समझ के, ठीक है। नैक्सट है फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनर्स। दीज वर हार्डली मिसटेक इन हर एसे सम मिसटेक। द फर्स्ट ऑप्शन इज दैट गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, ठीक है। नैक्सट है फिल दी ब्लैंक्स एप्रोप्रिएट मॉडल लगाने हैं। शी कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू शुड टेक, सानू लेनी चाहिदी आ, आग्या नहीं लेनी असी, लेनी चाहिदी है शुड मतलब। फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन लगानी। आई फील नो एपाइट फूड, आई फील नो एपीटाइट फॉर फूड, मैनू कोई इन्ना वो नहीं हुंदा फूड ले। ही फैल इन टू दी रिवर, बिच गिर गई ना वो। अगर फिल दी ब्लैंक सुटेबल कनैक्टर लाने, कनैक्टर मतलब जेडे जोड़ दे दो सेंटेंस है नू। थो शी इज़ पुअर बट शी इज़ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऑनेस्ट। वॉक केयरफुली डैश एंड यू शुड स्लिप, मतलब जे तुसी लीस्ट यू शुड स्लिप, पता तू जे चंगी तरह तुरेंगी तो तू घट गिरेंगे। कंबाइन दी फॉलोइंग सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस होने। शी इज रिच डॉट शी लीड्स एन अनहैप्पी, शी इज रिच दैन शी लीड्स अनहैप्पी लाइफ। आइडेंटिफाई दी सबोर्डिनेट क्लोज एंड नेम इट, सबोर्डिनेट क्लोज लगाना है। हुण नैक्सट आ जाता, सपोज यू आर सुरजीत, राइट एन ईमेल टू दी विपन गोयल इनवाइटिंग हिम टू वॉच अ प्ले। या पैराग्राफ रीड करके मेन पॉइंट लिखने ने, ठीक है। इन्हें मेन पॉइंट लिख दो, आ नीचे लिखा हुआ ना ये सोल्यूशन है तुम्हें दसना है। या हूँ दो आ जाते हैं बच्चों, हूँ पार्ट टू बनेगा वो तुम कमेंट करना वो तो वह, ठीक है। वो थोड़ा माई नेबरस या वे ना पोस्ट पा दी जाएगी यूट्यूब चैनल के उत्ते, कम्यूनिटी जाके ना पोस्ट पाऊँगी ना माई नेबर की। जिहड़े जिहड़े बच्चों ने तो इतों तक पता देखी है उन्हूं तो पता लग जूगा कि कितने पोस्ट पई है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों की पोस्ट आएगी, एप्लीकेशन की तो पैराग्राफ की, ठीक है। कमेंट करो उस चैनल सबसक्राइब करके रखो। थैंक यू।